दोस्तों आदिवासी हेयर ऑयल कितना बुरा है, कितना वाहियात है, इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मेरे कुछ पढ़े लिखे गवार भाइयों को अब भी समझ नहीं आ रहा है। पढ़े लिखे गवार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको समझ तो है लेकिन समझना नहीं चाह रहे हो। अरे भाई, ऐसा कौन सा तेल है जो कढ़ाइयों में बनता है? ऐसा कौन सा ऑयल है जिसको तल के बनाया जा रहा है, जड़ी बूटी उसमें डाल के तल रहे हैं? अरे तल के पकौड़े बनते हैं मेरे भाई, तेल कोई नहीं बनता। ना ही कोई ऐसा तेल है कि जो आपके बालों को एकदम इतना लंबा कर दे बिना किसी अंदरूनी ट्रीटमेंट के। और ये बार बार जितने भी यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इनका तो जमीर ही मर चुका है कि सिर्फ पैसे दो और इनसे कुछ भी बुलवा लो। कम से कम आपकी हेल्थ फैक्ट्स तो कम से कम आपको बताएं। और ये बार बार लोग जो है ना, ये जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं जो ये ऑयल बना रहे हैं, ये बार बार मोदी जी को बीच में जरूर घुसा देते हैं। अरे भाई, मोदी जी ने कभी इनके किसी चीज के बारे में जिक्र नहीं किया। सिर्फ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूछ लिया था कि भैया आपकी कम्युनिटी के लोग करते क्या हैं। सिर्फ हकी पिकी कम्युनिटी के ही 200 लोग तो सब दवाई बेचते हो, तो सब आपकी दवाई पे भरोसा करते हैं। उसी को ही ये प्रोजेक्ट करके दिखा रहे हैं कि भैया मोदी जी भी इनकी प्रमोशन कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी वीडियो पे टाइटल भी ऐसे रखे हैं कि भैया स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है। अरे स्कैम तुम लोगों के साथ कर रहे हो भाई, तुम अपने एक दूसरे के साथ कर रहे हो। तुम लोगों को खुद की कम्युनिटी पे यकीन नहीं है, सिर्फ ये बोलते हो कि भैया मेरा ऑयल सही है, इसका झूठा है, इस नंबर पे पता करो। गारंटी देंगे कि भैया ऑयल से बाल नहीं आए तो आप पैसे वापस ले लो। आज तक एक के भी पैसे वापस दिए हो तो बताओ, या जितने भी इन्फ्लुएंसर गए हैं, चाहे वो हजार गए हैं, एक के भी बाल वापस आए हो तो मुझे बता दो, मैं वीडियो बनानी छोड़ दूंगा। किसी के बाल लंबे नहीं हुए, सिर्फ पागल आपको बनाया जा रहा है। अब भी समझ हो तो समझ जाओ, नहीं तो तेल को रगड़ते रहो। बाय बाय।